तो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि टूरिंग स्पेशल एक्सेसरीज़ के ऊपर सीरीज चल रही है, तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं लास्ट वीडियो टेल बैग के ऊपर थी, वायटेरा का टेल बैग जो कि हमने यहाँ माउंट किया था। ठीक है, तो आई बटन में आ रही है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। तो अभी GT के लिए एक ये मोबाइल होल्डर लगा लीजिए आप, ये पाउच लगा लीजिए। ठीक है, टैंक बैग है ये। ठीक है, तो ये ऑर्डर किया है, मैग्नेट्स दे रखे हैं इसमें, गोल्डन राइडर्स कंपनी का है। ठीक है, तो यहाँ 5 मैग्नेट मिल जाते हैं आपको इसमें, और ये रबड़ मटेरियल है ताकि यहाँ पर स्क्रैच ना पड़े। ठीक है, कीमत मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी। और यहाँ पर आप इसमें मोबाइल डाल सकते हैं अपना। ठीक है, और मोबाइल डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इसमें मोबाइल आ गया आपका, और यहाँ से चेन लग जाएगी इस तरह से, और ये ऑपरेट हो जाता है मोबाइल इसमें से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो GT पे एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पर मोबाइल माउंट इंस्टॉल नहीं कराना चाहता था, थोड़ा सा वो ओड सा लगता है, GT के ऊपर इतना सूट नहीं करता। तो इसलिए मैंने ये टैंक बैग ढूँढा जो कि कॉम्पैक्ट हो, स्मॉल हो, और सिटी यूसेज में भी काम आ जाए आपके। ठीक है, मैप वैप देखने के, और मोबाइल भी होल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आपको सही व्यू आ जाएगा, जो भी मैप वैप चलेगा या कोई कॉल आती है। ठीक है, बाकी स्ट्रैप में इसमें चेन क्वालिटी बड़ी अच्छी दे रखी है। ठीक है, और छोटा बड़ा कैसा भी मोबाइल हो आपका सब आ जाएगा इसमें। आपको इसमें यहाँ पर सिंगल पॉकेट मिलती है। ठीक है, इसमें आप अपना पावर बैंक, मोबाइल तो आपने शायद उधर ही रख लिया, और वॉलेट और जो भी ज़रूरी सामान है, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका रेन कवर आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है, एंड शोल्डर स्ट्रैप आ जाती है इसमें आपको। यहाँ पर आप इसको जब आप बाइक पार्क कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाना है आपको, तो इसको माउंट करके आप शोल्डर पे आराम से वैलेट वॉलेट रख के, मोबाइल वोबाइल रख के, इसमें जो भी ज़रूरी छोटा मोटा आइटम है आपका, आप आराम से जा सकते हैं। तो मैंने बड़ा नहीं मंगाया। ठीक है, हालांकि इसमें सामान काफ़ी कम आएगा। मेन पर्पज़ इसका था मेरा मोबाइल होल्डिंग के लिए, क्योंकि मैं इस पर मोबाइल आईफोन है मेरे पास, तो आईफोन में दिक्कत आती है कैमरे में, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, जो यहाँ पर काफ़ी यूज़र्स ने शिकायत करी है, तो जो यहाँ पर हम माउंट करते हैं तो इस पर स्टेबिलिटी मिल जाती है मोबाइल को, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया। अब बड़ा इसलिए नहीं मंगाया बिकॉज इसका जो टैंक है ये स्लिम है GT का। ठीक है, तो जिनके पास बाइक्स हैं जिनके टैंक बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है, और स्लिम हैं या छोटे हैं, ठीक है, तो उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, साइज़ आप आइडिया लगा सकते हैं, मैं अपने हाथ से बता देता हूँ आपको। ठीक है, इतना साइज़ है इसका, बाकी फ़ोटो मैंने डाल दिया है इसमें, सेंटीमीटर्स में आपको सारा साइज़ दिख रहा होगा। ठीक है, और मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने यूज़ करके देख लिया है वैसे ये। ठीक है, तो 100, 120, 130 स्पीड पे कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही परफेक्ट लगा था मुझे, बिकॉज़ इससे बड़ा होने के बाद फिर यहाँ पर ये फ्यूल लिड पे आ जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ भी माउंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो भाई ये था गोल्डन राइडर्स की तरफ से टैंक बैग, क्वालिटी काफ़ी सही है इसकी। और यहाँ पर आप टैग देख लें इसका, गोल्डन राइडर्स, अंडर वारंटी, 12 महीने की वारंटी मिलती है। ठीक है, स्टिचिंग की और इन सारी चीज़ों की, हालांकि वो तो मैंने देखी नहीं है, 12 महीने की इसमें वारंटी मिलती है, मेड इन इंडिया है प्रोडक्ट। तो इतना स्पेस मिल जाता है आपको, पैडिंग काफ़ी मोटी दे रखी है, जो इसमें यहाँ दिख रहा होगा आपको वीडियो में शायद। ठीक है, तो ये पैडिंग काफ़ी मोटी दे रखी है, तो क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रखा, बढ़िया चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इसकी तरफ, अगर आपको इस साइज़ का
टैंक बैग चाहिए तो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 889 रुपीज़ का अमेज़ोन से ऑर्डर किया है ये मैंने, ठीक है। बाकी कवर लगा के भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, तो बारिश में आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं तो वहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाई गोल्डन राइडर्स की तरफ से टैंक बैग।